आजकल के मौसम में जो बादल फैला हुआ है उससे घर पे बचने के लिए या उसकी सावधानी के लिए हम घर पे क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं एक देसी चीज से देसी काढ़ा बना सकते हैं। तो मैं आज लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा काढ़ा, जिसे आप घर के कुछ सामान से ही घर पे बना सकते हैं और बहुत ही ज्यादा असरदार है। तो चलिए देखते हैं मैंने किन चीजों से और कैसे इस काढ़े को बनाया। तो शुरू करते हैं अपना चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल मौसम बदल रहा है तो बादल बहुत ज्यादा फैल रहा है, हर घर में किसी न किसी को कोई ना कोई दिक्कत हो ही रही है। तो इस बादल में हम लेके आए हैं एक घर का काढ़ा, जिसे पीने से बादल का असर थोड़ा सा कम हो जाता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। तो उसे बनाने के लिए मैं लाई हूँ ये काढ़ा, तुलसी के पत्ते, नीम गिलो जो अक्सर सभी जगह मिल जाती है, और तुलसी के पत्ते भी सब जगह मिल जाते हैं। ये पत्ते मैंने सुखा के रखे हैं, क्योंकि अगर हमें रात में काढ़ा बनाना हो तो हम रात को तुलसी नहीं तोड़ते और दिन में याद नहीं रहती तोड़ने के लिए। तो पत्ते आप सुखा के भी रख सकते हैं, और अगर आप दिन में तोड़ के रख सकें तो आप दिन में भी तोड़ सकते हैं। और मैंने लिया है एक टुकड़ा अदरक, और लिया मैंने 5 से 6 लौंग, और छोटा सा टुकड़ा लिया है मैंने दालचीनी का। तो शुरू करते हैं अपना काढ़ा बनाना। काढ़ा बनाने के लिए ले रही हूँ मैं ये 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी को रख देते हैं गैस पे। पानी को रख दिया हमने गैस पे, क्योंकि मैं ये 1 कप काढ़ा बनाऊंगी, इसलिए मैंने ये मीडियम साइज का 1 गिलास पानी रखा है। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप 2 गिलास पानी ले सकते हैं। और अब जो हमने ये सामान लिया है, तो ये लेते हैं तुलसी की पत्तियां, इनको हम डाल लेते हैं इस कल्लड़ में। ये अदरक कूटने वाला है, और इसी में हम ये अदरक भी डाल देते हैं, और साथ में डाल देते हैं लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। अगर आप चाहें तो इसको छोटा छोटा कट करके भी पानी में उबाल सकते हैं, और यह इसके पत्ते और ये कच्ची कच्ची डंडियां आप इसमें खल्लड़ में भी कूट सकते हैं। तो हम ये लेंगे कच्ची कच्ची डंडी, और इनको हम कूट लेंगे, और इसे इसी तरीके से तोड़ के या चाकू से काट के हम डाल देंगे पानी में। ये डंडियां कट कर ली हैं, इनको भी डाल देंगे पानी में, और इसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कूट लिया है, और इसे भी डाल देते हैं पानी में। ये देखिए पानी उबलने लगा है, और इसे इसमें हम डाल देते हैं। हमने इसमें जो भी चीज ली है ये सब एंटीऑक्सीडेंट होती है, और ये बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। आप इसे कफ, खांसी या बुखार किसी में भी ले सकते हैं। ये सब डालने के बाद में लेंगे हम इसमें 1 चुटकी काली मिर्च, या आप साबित काली मिर्च है तो इसी अदरक के साथ उसे कूट के डाल सकते हैं। और इसमें लेंगे हम 1/2 चम्मच चीनी, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वा हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें हल्की सी चीनी भी डाल देते हैं। और इसे जब तक उबालना तब तक पानी का कलर चेंज ना हो जाए। इसमें पानी में उबाल आ रहा है, और ये पानी हमें 1 गिलास की जगह 1 कप रह जाए तब ये हमें छान लेना है। ये मैंने सभी घर की चीजों से ही काढ़ा बनाया है, ये दवाई से ज्यादा ये काढ़ा असरदार करता है। तो आप कभी भी जरूरत पड़े तो सबसे पहले ये काढ़ा जरूर पिलाएं। अभी हमारा पानी उबल उबल के आधा रह गया, अब इसे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे कप में छान लेते हैं। मैं इसे बड़े कप में छान रही हूँ, जिसे ये पीने में आसानी रहे और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाए। अब इस तरीके से छान के और इसका सारा पानी हमें छान लेना है, क्योंकि ये बहुत ही असरदार काढ़ा है, तो इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। ये देखिए ये हमारा काढ़ा तैयार हो गया, और इसे गरम गरम जिसको भी खांसी जुकाम या कफ बुखार कोई भी दिक्कत है, आप उसे ये काढ़ा घर पर ही बना के दें, और घर की ही थोड़ी सी सामान से ये काढ़ा बनके बिल्कुल तैयार हो जाता है। इसे टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू कोई भी बुखार हो उसमें सब में ये काढ़ा ले सकते हैं। और जिसको हल्की सी जुकाम खांसी भी लग रही हो कि ये बादल की शिकायत है, तो आप उसे भी ये काढ़ा दे सकते हैं। तो आप इसे घर पे जरूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपने ये बनाया और आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।
नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।